हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है अर्चना किचन में। सबसे पहले हमने ये एक बॉल ले लिया और इसमें हम एक कटोरी आटा डाल देंगे। 2 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये 2 चम्मच हमने घी डाले हैं और साथ में हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। आप चाहें तो ऊपर से इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, तो मैं ये थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से डो तैयार कर लेंगे धीरे धीरे गूंद के। न ज़्यादा गीला तैयार करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल 20 का टेम्परेचर रखना है, क्योंकि हमारा आटा तैयार हो चुका है। देखिए ये हमने डो लगा लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। गैस पर हमने पैन रख दिया हुआ। थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल डाल रहे हैं। यह हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम 1 चम्मच के आसपास हम इसमें जीरा डालेंगे और ये हरी मिर्ची, तो थोड़ा सा ये हींग रखा हुआ है, हींग भी डालेंगे इसमें। और ये प्याज, प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का करना है। ये हमारे 2 से 3 ये आलू हैं, हमने बॉईल करके रखा था। अब आलू को हम इसमें मिला लेंगे। देखिए हमने हाथ से इसको मैश करके इसमें मिला लिया हूँ। एक चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, ये पिसा हुआ धनिया, और ये हल्दी 1 चम्मच, और ये लाल कश्मीरी मिर्च इसमें 1 चम्मच के आसपास डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। ये अमचूर पाउडर है, और ये ऊपर से हम चाट मसाला डालेंगे। स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं इसमें, जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें 1 चम्मच के आसपास नमक डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये आलू का मिश्रण तैयार हो चुका है। अब ऊपर से हम ये कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम 1 कटोरी में गेहूं का आटा ले लेंगे 2 से 3 चम्मच, और इसको अच्छे से पानी से घोल लेंगे। देखिए ये हमारा मिश्रण तैयार है। अब हम ये आटा लेंगे, इसकी छोटी छोटी हम लोइयां बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे बना लेंगे। अब हम इसको जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसे छोटे छोटे इसको सारी बना लेंगे ऐसे करके।
ये हमने बना के रख दिया। अब हम इसको एक एक करके जैसे हम पूरी बेलते हैं वैसे पूरी की तरह हम इसको बेलेंगे। ये आटा हम जो कट कर रहे हैं इसको हम अगली रोटी में ले लेंगे जो हमने बनाना होगा। देखिए अब हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो आलू की स्टफी ली थी उसको हम ऐसे बीच में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे डाल दीजिए। और जो हमने जो पेस्ट घोल के रखा हुआ था आटे का अब हम उसको किनारे किनारे लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगाना है जिससे ये चिपक जाएगा। अब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे चारों तरफ से अच्छे से। इसको हमने बंद करना है वरना ये तलते हुए निकल जाएगा। ये देखिए अब हम इसको फॉर्क की सहायता से डिजाइन दे देंगे थोड़ा। आप चाहे दोनों तरफ से देना लेकिन मैं ये चारों तरफ से दे रही हूँ। ऐसे करके ये हमने सारी स्टफी तैयार करनी है। हमने ये बारीक बारीक लगाना, ज़्यादा ये जो घोल है ये हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी आटा ही है, आटे का घोल तैयार है। अब हम इसको ऐसे बंद करेंगे और ये इसके ऊपर ये चिपक जाएगा अच्छे से। ये देखिए कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए नहीं तो हम तलते वक्त इसमें से आलू आलू निकल जाएंगे। ये देखिए फॉर्क की सहायता से आप इसको चारों तरफ से दबा देंगे। दबाने से ये और भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये हमने सारे तैयार कर दिए हुए रोल। अब हम इसको तल देंगे। आप इसमें चाहे एक तरफ से निशान डाल सकते हैं चाहे दोनों तरफ से, ये आपकी मर्जी है। जैसे चाहे वैसे डिजाइन दे सकते हैं। ये मैंने डिजाइन के लिए करा है ये फॉर्क से। आप और भी कोई नया डिज़ाइन डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब हम इसको तलेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके तलेंगे। हल्का हल्का हम इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए ये हमने सारे रोल बना दिए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये देखिए बिल्कुल क्रंची है। आप इसको गरम गरम है ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप चाहे इसको चटनी के साथ या सॉस के साथ किसी से भी खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। अगर कोई नया है तो प्लीज़ तो भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।